नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तानाजी सावंत की गाड़ी से एक शख्स की मौत हो गई है। ये हादसा सोलापुर जिले के बरसी तालुका में हुआ। गुस्साए लोगों ने मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। घटना सोमवार सुबह की है। मृतक का नाम श्याम कुमार देवीदास है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीट बंटवारे की घोषणा आज हो सकती है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर किसी भी आशंका को दूर करते हुए शनिवार को कहा था कि 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन किया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने रविवार को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी शिवसेना में अभी बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह गायब है। ठाकरे परिवार के युवा चेहरे यानी आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। शिवसेना ने आदित्य को वर्ली सीट से मैदान में उतारा। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बताया कि बालासाहेब ठाकरे को जुबान दी थी कि एक दिन आएगा जब शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। उद्धव के इस बयान के अगले ही दिन शिवसेना ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की उसमें वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे का नाम घोषित कर दिया गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। तब तक के लिए खबरों में इतना ही। धन्यवाद।